जता भाजपा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद तो सुनील जाखड़ ने नेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को दी जानकारी। दोनों नेताओं के इस्तीफे हाईकमान ने किए मंजूर। खडूर साहिब संगत दर्शन कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री बादल, कहा पहले से तय था कार्यक्रम, उपचुनाव से नहीं कोई लेना देना। कैप्टन अमरिंदर के रैली की चुनौती स्वीकार करने पर बोले सीएम, कहा मैंने किसी को नहीं दी चुनौती, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एसजीपीसी की बैठक में मक्कड़ की दो टूक, बोले नहीं बदले जाएंगे जत्थेदार, हर कोई बुला सकता है सरबत खालसा। बैठक में एसजीपीसी के मुलाजिमों का डीए 8% करने पर भी फैसला हुआ। हरियाणा सरकार के सबका साथ सबका विकास पर विपक्ष ने उठाए सवाल। इनेलो ने सरकार पर लगाया विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप, कांग्रेस ने भी घेरा। पिछड़ा वर्ग रैली को लेकर सांसद राजकुमार सैनी ने दिल्ली में पिछड़ा वर्ग के लोगों से की मुलाकात, फिर बोले सैनी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगी बर्दाश्त, 28 नवंबर को दिल्ली में होगी रैली। हरियाणा में फिर उलझ सकता है 3581 गेस्ट टीचर्स की बहाली का मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 54 नव नियुक्त पीजीटी टीचर्स ने याचिका दायर कर की मांग, शिक्षकों की रेगुलर भर्ती तक गेस्ट टीचर्स की बहाली पर लगे रोक। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर हुई वोटिंग, चंबा के भरमौर, पांगी और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में हुआ मतदान। स्पीति में 66, भरमौर में 75 और पांगी में 57% हुई वोटिंग। दिल्ली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात, माना जा रहा है कि सीएम ने हिमाचल को आर्थिक मदद देने समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। लुधियाना में कोकीन मामले में गिरफ्तार किए गए बशीर के सामने आए संदिग्ध आतंकी कनेक्शन, पुलिस का दावा आतंकियों को शरण देने के मामले में बशीर काट चुका है जेल, छानबीन में जुटी पुलिस।